तो दोस्तों आज हम कंपेयर करने जा रहे हैं ओप्पो रेनो 6 वर्सेस ओप्पो रेनो 6 प्रो। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे हाइट में आपको ओप्पो रेनो 6 प्रो विनर दिख रहा होगा 160 mm के साथ। अगर इसकी विड्थ की बात करें तो यहाँ पे विड्थ में भी आपको रेनो 6 प्रो विनर दिख रहा होगा 73.1 mm के साथ। अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो दोनों ही फ़ोन में आपको थिकनेस सेम मिल रहा है गाइस 7.6 mm के साथ। अगर इसकी वेट की बात करें तो वेट आपको भी दोनों ही फ़ोन में 200 ग्राम अंडर वेट दिख रहा होगा, लेकिन 177 ग्राम के साथ विनर ओप्पो रेनो 6 प्रो ही है गाइस। और वाटर प्रूफ की बात करें तो कंपनी ने अभी कन्फर्म नहीं किया है गाइस वाटर प्रूफ के बारे में। अगर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर डिस्प्ले में आपको रेनो 6 में आपको 6.43 इंच का आपको डिस्प्ले मिलेगा, जहाँ कि रेनो 6 प्रो में आपको 6.53 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा। अगर इसके रिजोल्यूशन की बात करें तो दोनों ही फ़ोन में आपको 1080p का रिजोल्यूशन मिलेगा। और इसकी अगर एस्पेक्ट रेशियो की अगर बात करें तो 6 प्रो में भी 20:9 का रेशियो मिलेगा और 6 में भी 20:9 का रेशियो मिलेगा। अगर इसकी पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो दोनों ही फ़ोन में 400+ PPI का पिक्सल डेंसिटी आपको देखने को मिलेगा। अगर इसकी डिस्प्ले की बात करें तो दोनों ही फ़ोन में एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। और अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो दोनों ही फ़ोन में गोरिल्ला ग्लास 5 का आपको प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। और इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करें तो रेनो 6 में 88.3% मिलेगा और 6 प्रो में 88.6 का परसेंटेज रेशियो देखने को मिलेगा। कैमरा की बात करें तो रेनो 6 में आपको 64 मेगापिक्सल का अपर्चर 1.7 के साथ देखने को मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा देखने को मिलेगा और HDR LED फ्लैश के साथ आपको देखने को मिलेगा। रेनो 6 प्रो की अगर बात करें तो इसमें भी आपको प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा और अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का और माइक्रो कैमरा 2 मेगापिक्सल का और डेप्थ कैमरा भी आपको 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा और LED फ्लैश HDR के साथ आपको देखने को मिलेगा। अगर कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोनों ही फ़ोन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, वो भी 30 FPS के साथ। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो दोनों ही फ़ोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा जो 1080p 30 FPS पर रिजोल्यूशन रिकॉर्ड करेगा। अगर हार्डवेयर की अगर बात करें तो हार्डवेयर में आपको दोनों ही फ़ोन में डायमेंसिटीज का चिपसेट देखने को मिलेगा। रेनो 6 में आपको 900 का सपोर्ट मिलेगा और 6 प्रो में 1200 डायमेंसिटी का सपोर्ट मिलेगा। अगर इसकी GPU की बात करें तो दोनों ही फ़ोन में कोटेक्स A78 और A55 का सपोर्ट देखने को आपको मिलेगा। अगर GPU की बात करें तो दोनों ही फ़ोन में माली G78 और माली G70s का सपोर्ट मिलेगा। और रैम वेरिएंट की बात करें तो दोनों ही फ़ोन में 8GB और 12GB का रैम सपोर्ट मिलेगा, जो कि 128GB और 256GB को तक को सपोर्ट करेगा। और रोम की बात करेगा तो अगर इसमें कार्ड स्लॉट की बात करें तो गाइस दोनों ही फ़ोन में आपको कार्ड स्लॉट नहीं देखने को मिलेगा, ये एक बैड न्यूज है। लेकिन बैटरी की बात करें तो 4300 mAh का आपको रेनो 6 में देखने को मिलेगा और 6 प्रो में 4500 mAh को देखने को मिलेगा। फास्ट चार्जिंग दोनों ही फ़ोन में 65W को फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिलेगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में ही एंड्रॉयड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जो कि कलर OS पे आपको सपोर्ट होगा। अगर रेनो 6 की बात करें तो इसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलेगा, 5G का सपोर्ट मिलेगा, NFC का नहीं सपोर्ट मिलेगा गाइस, वाईफाई, लाउड स्पीकर, GPS, ब्लूटूथ सभी का सपोर्ट मिलेगा और 90Hz रिफ्रेश रेट को ये सपोर्ट करता है। अगर रेनो 6 प्रो की अगर बात करें तो गाइस इसमें भी आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलेगा, 5G का सपोर्ट मिलेगा, NFC का आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा गाइस, 90Hz रिफ्रेश रेट को ये सपोर्ट करता है, आपको लाउड स्पीकर, GPS, ब्लूटूथ, टाइप सी केबल, UFS 3.1 का सपोर्ट मिलेगा और वाईफाई का भी आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो गाइस यहाँ पे प्राइस आपको रेनो 6 का 31,890 पड़ेगा और
रेनो 6 प्रो का 39,890 पड़ेगा। दोनों ही रैम वेरिएंट 8 GB रैम और 128 GB रोम के साथ आएगा। अगर इसकी विनर की बात करें तो यहाँ पे आपको गाइस पता ही होगा रेनो 6 प्रो यहाँ पे आपको क्लियर विनर दिख रहा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना प्यार ऐसे ही देते रहो। थैंक